हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेम्बर्स किचन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने भी खुद कभी नहीं बनाई। एक बंगाली रेसिपी बुक है जो हमारा एक डियर फ्रेंड ने उनके माँ की याद में ये बुक पब्लिश की है। आंटी बहुत ही अच्छा खाना पकाते थे, उनकी हर एक डिश बहुत ही स्पेशल होता था। उनमें से कुछ रेसिपीज इस बुक में है। आज मैंने आप लोगों के सामने इस बुक में से एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मैंने ये खीर कमला चुना क्योंकि ये मुझे बहुत ही स्पेशल एंड डिफरेंट लगा। पहली बार बनाने जा रही हूँ, रिजल्ट हम सबके सामने होंगे। सो लेट्स मूव टू माय मस्ट किचन टू प्रिपेयर खीर कमला। क्योंकि मैं ये पहली बार बना रही हूँ, इसलिए बुक में जो क्वांटिटी मेंशन की हुई है उसका आधा क्वांटिटी बनाने का फैसला की है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हाफ करके ले लिए हैं। तो हमने दो ऑरेंजेस ले लिए हैं, आप ढाई या तीन ऑरेंजेस भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ऑरेंज जूसी और स्वीट ही होना चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब एक मिल्क पैन में आधा लीटर फुल फैट मिल्क ऐड की है। अब फ्लेम को ऑन की है और दूध को उबालने के लिए रख दी है। दूध उबल गया है, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूंगी। अब एक चम्मच को बीच बीच में चलाते रहे और दूध को उबालने दे। दूध तब तक उबले जब तक क्वांटिटी आधा ना हो जाए। चम्मच को मैंने दूध के अंदर ही छोड़ दी है, इसे दूध पैन के बाहर नहीं गिरता। फ्लेम को लो पर ही रखे और चम्मच से दूध को बीच बीच में चलाने ना भूले, नहीं तो दूध नीचे से जल सकता है। अब दूध डिजायर्ड कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये कम होकर आधा हो गया है। अब चीनी ऐड करें। मैंने एक कप ही चीनी लिए है, आप आपके स्वाद अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। एक बार मिक्स कर दूंगी। अब दूध में 5-6 केसर की स्ट्रैंड्स ऐड कर दूंगी। अब चम्मच को कंटिन्यूअसली स्टियर करें जब तक चीनी पूरी तरह डिसॉल्व ना हो जाए। केसर की रंग दूध में आहिस्ता आहिस्ता आ जा रहा है। दोस्तों, अब देख सकते हैं कि दूध थोड़ा थोड़ा ऑरेंजिश कलर बन गया है। चीनी घोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अराउंड 2 से 2.5 मिनट। अब चीनी पूरी तरह घोल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। अब जो रबड़ी टाइप दूध बना है इसको बंगाली में खीर बोलते हैं, तो इसको हम ठंडा होने देंगे। अब ऑरेंज को रेडी करेंगे। पहले ऑरेंज का छिलका निकाल लेंगे। अब हर एक टुकड़ा से स्किन को अलग करेंगे और पल्प को इकट्ठा करेंगे। ये थोड़ा पेशेंस का काम है। ये देखिए, मैंने सारे पल्प इकट्ठा कर लिया है। इसको मैंने हाथों से और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है, ये मुझे सही लगा। इन दौरान छोटे मोटे जो भी स्किन आ गया उसको भी डिस्कार्ड कर दी है। अब दूध ठंडा हो गया, इसको मैंने पूरा ठंडा नहीं किया, ये ल्यूकवार्म है। अब एक मिक्सिंग बोल में ऑरेंजेस ऐड कर दी। अब इसमें दूध ऐड कर देंगे। चम्मच से एक बार मिला दे। अब मैं इसे 1 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि आपस में अपने आप अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
अब टेस्ट करने का टाइम आ गया। टेस्ट करके चेक करते हैं कि ये खीर कमोला कैसा बना है। देखने में तो काफी टेम्पटिंग लग रहा है। Let's taste. दोस्तों ये डिजर्ट बहुत ही अच्छा बना है। नेक्स्ट टाइम डबल क्वांटिटी में बनाऊंगी। अब मैं इसको एक घंटा के लिए फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद अच्छी तरह स्टीयर करके सर्व करूंगी। दोस्तों ये ठंडा और भी अच्छा लगा। मैंने आज 2 oranges यूज किया, पर आपको 2.5 या 3 यूज करने के लिए रिकमेंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मस्त किचन।